शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। cgschool.in पर आप क्रोम के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड के माध्यम से आप cgschool.in पर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, किस विद्यालय में पदस्थ है, विकासखंड कौन सा है, शिक्षा कोड कौन सा है। अब इसमें हमको कुछ एडिट करना है, तो शिक्षक के कार्य वाला कॉलम में जाएंगे। तो शिक्षक कार्य को जैसे करेंगे तो शिक्षक संबंधित जो विवरण है फर्स्ट कॉलम में, उसमें क्लिक करते साथ ही पूरा यहाँ पर मेरा फ़ोटो दिखाई देगा। आप फोटो को चेंज भी कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालें या बदलें, आप इससे बदल भी सकते हैं। और जो यहाँ पर स्कूल प्रतिनियुक्ति पर है कि क्या है, ये आपको डिटेल डालना है। आप ये जो ऑलवेज शो करेंगे जैसे ही पासवर्ड आप पासपोर्ट साइज का जो फोटो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम दिया हिंदी अंग्रेजी में और ईमेल आईडी है, पिता का नाम दिया हुआ है पति और माता का नाम, लिंग है, जन्मतिथि है, जाति है। और यहाँ पर कुछ चेंजेस आप चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं अपने नामों को, आप वहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे मैंने सुधारा यहाँ पर, जो मेरे जो पापा जी का नाम था वो यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जो पहले से यहाँ पर डला हुआ था। और नियुक्ति का जो पद है, विषय है, नियुक्ति का प्रकार, जो सविलियन है, सविलियन की जो तिथि है 1 जुलाई 2018, ये आपको वहाँ पर डला हुआ दिखाई देगा। प्रथम नियुक्ति भी है और सेवानिवृत्ति की तिथि, ये आपको हर एक कॉलम में वहाँ आंसर लिखा हुआ रहेगा। और लग रहा है कि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 जुलाई 2018 जो सविलियन की तिथि है, जैसे ही आप कॉलम को क्लिक करते हैं आपको कैलेंडर वाला सेक्शन खुल जाएगा, आप वहां से आप चेंज कर सकते हैं। मगर सविलियन की तिथि तो 1 जुलाई 2018 ही है। अब इसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता भी है और पद स्थापना की तिथि है, इसको कर सकते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं कि आपका व्यवसाय की योग्यता क्या है। तो मेरा एमएड है तो मैं इसको कॉलम बुक करता हूँ। CWSN शिक्षण के लिए प्रशिक्षित है तो यस। तो यहाँ पर योग्यता का चयन करें तो मैं यहाँ पर CWSN मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो CWSN का मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड जो है, जो मेरा बीएड है स्पेशल नहीं है तो बीएड को कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मूल पद जो है, मेरा मूल पद जो है उसको कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेवा पुस्तिका के आधार पर आपका जो जिला है उसको डालना है। जैसे वर्तमान में जिला तो सकती है, मगर मैं सेवा पुस्तिका के अनुसार तो जांजगीर चांपा है तो उसको मैं यहाँ पर डालूंगा। कंप्यूटर संबंधी है और यहाँ पर जो OPS है, OPS 2022 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल 2022 को OPS का चयन दिनांक को डालना है। आप NPS वाले हैं तो NPS का भी कर सकते हैं, मगर मैं OPS वाला हूँ। OPS 1 अप्रैल 2022 से पदोन्नति के जो प्राप्त है तो नहीं है। अगर आप क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का लाभ उठा लिए हैं तो आप यस वाले कॉलम में जाएंगे। तो देखते हैं, अगर मैं यस वाले कॉलम में क्लिक करूँगा पति पत्नी की बेस पर, तो यहाँ पर पति या पत्नी सेवा में है तो यहाँ पर उनका डिटेल लिखना पड़ेगा कि पोस्टिंग की जो जगह है, विभाग कौन सा है और कर्मचारी कोड जो है, मोबाइल नंबर, ये सब डालना पड़ेगा जैसे यस करते हैं। तो ये आपको जितने भी क्रमोन्नति है, शासकीय सेवा में है पति पत्नी और क्या पूर्व शासकीय सेवा में थे, तो उसको भी डिटेल आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक बार यस करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल्स डालने पड़ेंगे। शासकीय सेवा में तो आपका डालना पड़ेगा। फिर क्रमोन्नति की बात करें तो क्रमोन्नति या समयमान या वेतनमान जिनका प्रमोशन हुआ है तो ये डाल सकते हैं। क्रमोन्नति वाला है तो प्रकार है और ये है। तो 2018 के बाद से तो ना मुझे समयमान मिला है ना वेतन, मतलब इसको नो वाला कॉलम में डालूंगा। और नो वाले कॉलम को डालूंगा तो कुछ बस नो नो करना है और उसमें कोई कॉलम नहीं खुलेगा। और ये जो सेक्शन है इसको आप भर सकते हैं। अगर आपने यस वाला कॉलम को, जैसे कि जो प्रधान पाठक है वो किया है, तो अब देखिए फाइनल सबमिट करना चाहता हूँ मैं इसे, क्योंकि सब डिटेल मैंने भर लिया है। आप इसको सेव ड्रॉप करके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट जैसे करूँगा तो मुझे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। देखिए OTP आ गया। OTP को जैसे ही मैं यहाँ पर डालूँगा फिर सबमिट करूँगा तो ऑलरेडी यह सेव हो जाएगा और मेरा जो cgschool.in पर जो डिटेल है वह सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो
तो इस तरह से सीजी स्कूल के माध्यम से आप अपना डिटेल को कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट में जो सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया गया है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों में दिखाया रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसा ही सबमिट करना है। तो जो भी डिटेल है, अगर किसी भी तरह का दिक्कतें आ रही होंगी तो कमेंट्स बॉक्स पर आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान करने का। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।